नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। सौ करोड़ लोग सुन चुके हैं मोदी के मन की बात, 23 करोड़ लोग इसे रेगुलर लिसनर्स। आई एम रोहतक की स्टडी। पीएम मोदी ने कोची में पैदल रोड शो किया, यूथ कार्यक्रम में बोले, पिछली सरकारों ने हर सेक्टर में घोटाले किए, हमने अवसर पैदा किए। सरकारी कंपनियों से पीएम केयर्स को 2913 करोड़ मिले, इनमें से 57 कंपनियों में सरकार की बड़ी हिस्सेदारी। राहुल गांधी ने भाजपा पर कसा तंज, बोली भाजपा को 40 नंबर अच्छा लगता है, इस बार अपने इन्हें सीटें 40 देना। सुप्रीम कोर्ट में ललित मोदी के खिलाफ अवमानना केस रद्द, बिना शर्त मांगी माफी थी, कोर्ट ने कहा दोबारा गलती की तो छोड़ेंगे नहीं। अखिलेश से मुलाकात के बाद बोले नीतीश, मैं प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं, देश हित में करूंगा काम। आदिवासी प्रतिनिधि मंडल से मिले अखिलेश यादव, बोले भाजपा ने आदिवासियों को जंगल जमीन से उजाड़ा। बरेली में महापौर के लिए 15 नामांकन, 80 वार्ड में पार्षद पद के लिए 568 दावेदार, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 60। काशी में गंगा पुष्कर महाकुंभ, 80 से दशाश्वमेध घाट तक 12 दिन, पुष्करालू में 12 लाख श्रद्धालु करेंगे पिंडदान। प्रयागराज के डिप्टी सीएमओ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दम घुटने से मौत, विस्तृत सुरक्षित रात में होटल में खाना मंगाए लेकिन खाया नहीं। पाकिस्तान में थाने पर आत्मघाती हमला, 12 पुलिसकर्मियों की मौत, 40 लोग घायल, धमाके में पुलिस स्टेशन समेत 3 इमारतें गिरी। कोविड-19 की सच्चाई छिपा रहा चीन, पहली जांच रिपोर्ट ही गायब कर दी, इंटरनेशनल टीम की इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया। इस्लामिक स्कॉलर तारिक फतेह का निधन, पाकिस्तान में जन्म हुआ, कनाडा में आखिरी सांस ली, खुद को हिंदुस्तानी कहते थे। सूडान गृह युद्ध में अब तक 413 लोगों की मौत, 4000 भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू, शिप एयरक्राफ्ट तैयार। आईएसआईएस के खिलाफ एकजुटी यूएस और तालिबान, अमेरिकी अफसर ने कहा दोनों का टारगेट एक, मिलकर काम करने में कोई बुराई नहीं। पांचवे T20 में पाक को 6 विकेट से मिली हार, न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन जेम्स निशन के बीच 5वें विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी। जंतर मंतर पर धने का तीसरा दिन, विनेश बोले 1000 लड़कियों का शोषण हुआ, जांच कमेटी में शामिल बबीता ने कहा मुझसे रिपोर्ट छीनी। रोमांचक मुकाबले में 7 रन से जीती दिल्ली, हैदराबाद को लगातार 5वें मुकाबले में हराया, अक्षर पटेल का दोहरा प्रदर्शन। पचासवें जन्मदिन पर सचिन को SCG ने दिया सम्मान, तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पर रखे गए मैदान के गेट। हैदराबाद की हार से निराश एडन मार्करम, बोले एक ऐसी टीम जो जीतने के लिए उत्साहित नहीं थी। एक्टर अपूर अग्निहोत्री ने शाहरुख की तारीफ की, बताई करियर में ज्यादा फिल्में न मिलने की वजह, बोले लोगों को मक्खन नहीं लगा सकता। पलक तिवारी का बड़ा बयान, बोली आज फिल्म सिर्फ पैसों के लिए बन रही है, पैशन प्रोजेक्ट पर कम बनने लगी है, उसे नुकसान हुआ है। सारा अली खान ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, लिखा कुछ इंच कम करने के इसलिए पंच कर रही हूं। रैंप पर ग्लैमरस लुक में दिखे मलाइका अरोड़ा, स्टनिंग लुक देख फैंस हुए इंप्रेस, बोले आप एक बच्चे की मां नहीं लगती।
शाहरुख खान को भगवान मानती हैं एक्ट्रेस मधु, बोली वो मेरे पहले क्रश थे, पिता ने कह दिया था पढ़ाई को करो वरना शादी कर दें। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।